We are here at the CREDAI MCHI Property Expo 24, the 31st edition, at the Geo Convention Center, BKC, Bandra Kurla Complex. The Mumbai real estate industry is going through a major transformation. Redevelopment is the focus. We have all major real estate developer brands who are now venturing into redevelopment. Mumbai is a city where the raw material, the raw commodity, which is land, is very scarce. So that's why we have a lot of redevelopment, both from the SRA perspective, which is the slum redevelopment, and the society redevelopment. One of the new brands in the redevelopment space, which is now creating waves, which are they are having projects across the city of Mumbai, is the Raghav Group. It's my pleasure to talk to Sudhanshu Agarwal, that new young bright developer and the promoter of Raghav Group. Hi Sudhanshu. Hi sir. Thank you. How are you? So I like the energy at your stall. आपके बहुत आप खुद यंग हैं, आपकी टीम भी बहुत यंग है, और जैसे मैंने एंटर किया तो आपका श्री राम जी का आपका एक भजन भी चल रहा था. हाँ जी. तो क्या आपका आपकी कंपनी के बारे में बताइए, आपकी लेगेसी के बारे में बताइए, क्या आपकी सोच है. वी टॉक अबाउट रीडेवलपमेंट और आप कैसे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलग जो डिवेलपर्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स आपके माइक्रो मार्केट में, उनसे आप अलग कैसे बना रहे हैं. So Raghav Group, it stands for majorly redevelopment and doing SRA projects in Mumbai. So this company was started by me in 2014. 2014 mein aap found kiye. Haan ji. We got our first project in 2018. So 4 saal mehnat karne ke baad, after convincing people, we got our first project. 2019 we started construction. 2020 everybody knows it was COVID. But 2021 mid we delivered the project. Discounting the COVID period, we gave the project in 21 months. Very good. So the offering with Raghav is majorly we focus on having balcony homes and fully furnished homes. So आपके दो ज़्यादा focus कर रहे हैं. हाँ जी. एक balcony दे रहे हैं घर में. हाँ जी. तो it's not like a pigeon hole. It's like balcony रहती है. आज balcony एक और as per the new DCR it goes into your FSI also. Yes. You are still wanting to give the balcony. Yes. And second, आपने क्या बोला? Fully furnished, sir. Fully furnished. Yeah. तो मैंने घर लिया और मैं सीधा घर में आके रह सकता हूँ, ये आपका perspective है. आपको IKEA से या कोई furniture shop से खाली sofa और bed order? Sofa bed लेना है. बस उसके अलावा everything's there. Like your kitchen is ready, chimney, burner, fridge, AC, TV, everything is there. False ceiling is also done. अच्छा, फॉसिल भी किया है. या एलईडी लाइट. तो ये बताइए, क्योंकि सुधांशु ये एक आप कहीं उल्टा दौर चला रहे हैं. पिछले कुछ सालों में डेवलपर्स जो है वो बेयर शेल दे रहे थे. हाँ जी सर. ज़्यादातर घर जो है वो बेयर शेल बन. यस. चाहे वो लग्जरी हो चाहे वो मिड लग्जरी हो. यस. आपकी सोच कैसी आई कि मुझे फर्निश घर देना है या मुझे एक लिवेबल घर देना है, कि खाली जो भी बायर आएगा उसका अपना फर्नीचर लेके देना है, बट यू आर गिविंग अ फर्निश और अ डन अप अपार्टमेंट, ये सोच कहाँ से आई? जब हम लोगों ने इंटरेक्शंस वगैरह किए या जब हम लोगों ने देखा कि लोग जब घर लेते हैं, सो इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द फैमिली व्हेन यू बीन गिवन द की. जब आप चाबी लेने बिल्डर के वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है आपका घर मिल गया. उस दिन सब लोग उस घर के जाके एक मतलब वास्तु शांति करते हैं महाराष्ट्र में अपने. सो पीपल आर वेरी सेंटिमेंटल अबाउट द वास्तु शांति. और उस दिन रात को उनको घर पे सोना भी होता, लेकिन अरेंजमेंट कोई चीज़ का नहीं था. बट इट इज़ सो ये बहुत अच्छी बात बोले, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जेन्यूनली है. या कि हमको शाम जैसे गृह प्रवेश करते हैं राइट, और जब आपने कहा वास्तु पूजा करते हैं तो टिपिकली आपको रात को वहाँ रहना पड़ता है. हाँ जी. लेकिन रहने के लिए कुछ है ही नहीं वहाँ पे. एग्जैक्टली. मतलब पानी की भी सुविधा नहीं है. सो दिस वॉज द पेन पॉइंट द थॉट इज देयर. सो जिस दिन चाबी मिले उस दिन आप रात को घर पे रुक पाना चाहिए. बहुत अच्छी सोच. दैट वॉज द वेरी क्लियर कट थॉट. तो पानी की सुविधा से लेके यानी एक्वा गार्ड भी हम इंस्टॉल करके देते हैं, चिमनी बर्नर भी करके देते हैं. सो दैट्स ऑल. आजकल बहुत फास्ट जमाना है, जैसे आपने बोला मैंने घर लिया, पूजा की तैयारी करी
और आइका को फोन किया तो फर्नीचर भी आ जाता है। हाँ जी, तो ये आपने बहुत अच्छी पैकेजिंग करी है और ये अच्छा एक USP। मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री खास बॉम्बे के अंदर अगर हम बात करें तो इतना सारा सप्लाई आ रहा है कि हर डेवलपर को हर अपने माइक्रो मार्केट में प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ ऑफरिंग जो है वो कुछ अलग हटके देनी है, तब जाके वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। यस, बिक तो सब रहा है और बिकेगा भी सब। हाँ जी, आपने बात करते करते जब आपने बोला, और ये मेरे ख्याल से मैंने आज तक कभी किसी कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन सुधांशु मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि आपने ये बात करी, आप इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करते ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ जी, तो जब आपने पहला सोसाइटी में आप गए होंगे, हाँ जी, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, नो, आपके फादर, आपके अंकल, यार आपका कोई लेगेसी नहीं है, नहीं, तो आपको सबसे पहली सोसाइटी जब आपने एक्वायर करी, हाँ जी, तो आई एम श्योर बहुत आनंद आया होगा, बहुत खुशी होगी। आपको क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे उस वक्त एज अ फर्स्ट टाइम डेवलपर इन अ रीडेवलपमेंट, बिकॉज सोसाइटी हैज टू ट्रस्ट यू। यस, कि मैं इस नौजवान को जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको मैं ये प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, तो ये आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर, जैसे आपने बोला, ट्रस्ट इश्यूज आर ऑलवेज देयर, लाइक बिकॉज एक तो आप रीडेवलपमेंट मार्केट में जा रहे हो विच इज ऑलरेडी अ ट्रस्ट डेफिसिट इंडस्ट्री, लेगेसी वाले हैं वो भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, सो ट्रस्ट इश्यूज और ये तो एस्टेब्लिश करना ही था सब लोगों में। सो वॉट वर्कड आउट इज लाइक मीटिंग पीपल वेरी रेगुलरली, ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम, उन लोगों की जो जैसे मैंने आपको समझाया वॉट काइंड ऑफ होम्स डू आई गिव, सो वॉट वॉज माई थॉट प्रोसेस, आई ट्राइड एंड कन्विंस दैट। बट एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे लिए एक्ट की वॉज बिकॉज दिस इंडस्ट्री वॉज ट्रस्ट डेफिसिट, तो कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेयर था उसके ऊपर तो ट्रस्ट डेफिसिट था ही, एटलीस्ट आई वॉज एट प्लेन लेवल, जीरो लेवल पे था, तो आपको वो एडवांटेज भी हो गया, मुझे नेगेटिव लेवल्स चालू नहीं करना पड़ा। लेकिन आई थिंक वो और जिस दौर पे आप आए, हाँ, तो जब पेंडेमिक लग रहा उसके पहले 2017-2018 में, हाँ, क्योंकि तभी रेरा आ चुका था, हाँ जी, तो उस वक्त चैलेंजेस थे कि बहुत सारे डेवलपर्स के बैगेजेस थे, हाँ जी, जैसे आपने बोला आपका क्लीन स्लेट था, हाँ जी, तो एक सोसाइटी ने आपको ट्रस्ट कर लिया और आई एम श्योर दे आर हैप्पी, जिसके वजह से मैं देख रहा हूँ कि आपका आप बॉम्बे काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। हाँ जी, अब मैं बात करना चाहूँगा कि कुर्ला का जो आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हाँ जी, जो मुझे समझ में आ रहा है श्री राम जी के थीम पे है, ऐसा जो आपका मैंने ऐड देखा वहाँ से मुझे लगा, हाँ जी, और वहाँ पे कुछ आप भी एक्सक्लूसिव कर रहे हैं जो साइज़ हैं 2 bedroom, 3 bedroom, और कुर्ला में आज तक किसी ने स्विमिंग पूल नहीं दिया है, हाँ जी, तो ये एक पहला प्रोजेक्ट है जिसमें स्विमिंग पूल है सर, नॉट रजिस्टर्ड, और एक पूजा रूम भी है, हाँ जी, तो इसकी सोच कैसे आई, आपका ये पूजा रूम का सोच कैसे आया और श्री राम जी का सोच कैसे आया, और कुर्ला जैसी एक माइक्रो मार्केट में हाउ डिड यू थिंक अबाउट यू नो पैकेजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग? सो कुर्ला, नाउ वी कैन से कुर्ला ईस्ट हैज बीन आवर होम ग्राउंड नाउ, एज यू कैन सी दिस इज द 7th प्रोजेक्ट देयर व्हिच आई थिंक, ये सारे आपके कुर्ला के? हाँ जी, सो ला ईस्ट के 7th के, ठीक है, तो कुर्ला आपका होम ग्राउंड, होम ग्राउंड है, सो रिस्क एंगल से वी कुड हैव टेकन दिस रिस्क। सेकेंड थिंग, जब हम लोग घर बनाने चालू किए सो फोकस हमेशा था बड़े लिविंग रूम्स, क्योंकि अगर आपके गेस्ट आते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सो यू कैन सिट टुगेदर। सेकेंड फोकस वॉज बिग किचन्स, बट अल्टीमेटली अगर ये दो चीज़ बड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं कंसाइज करना पड़ता है। देन वी हैड, बिकॉज बैल्कनीज वॉज अ मस्ट फॉर अस, आपकी बैल्कनी हो गई, आपके बड़े लिविंग एरिया हो गया और आपने किचन साइज बड़े किए, ठीक, सो किचन साइज 2 प्लेटफॉर्म के साथ बड़े लॉन्ग किचन बनाए थे, सो वी हैड टू कट डाउन ऑन द रूम साइजेस, सो विच डिड नॉट, मतलब सब कुछ होते हुए लोगों का रिव्यू ये आता था सर बेडरूम साइज थोड़े बड़े कीजिए, सो विच अल्टीमेटली लेट डाउन टू हैविंग स्पेशियस 3 BHKs विच इज मेजरिंग अराउंड 1250 square feet। I understand where you are coming from. Yeah, so now we have all the 3 rooms with walk-in wardrobes. आपने size में compromise नहीं किया? नहीं किया। आप already balcony दे रहे हो, amenities दे रहे हो, आप क्योंकि ये बीच में एक और दौर आ गया था सुधांशु, आप भी इसमें बात को agree कर रहे थे, मुंबई
एंड इंडिया ऑल्सो वी आर अ वेरी प्राइस सेंसिटिव और हम एक पैकेज देखते हैं कि वन बेडरूम इतने करोड़ के अंदर टू बेडरूम मार्केटिंग भी हम ऐसे करते हैं जी. तो आई थिंक आपको रिस्क लेने की कुछ ज़्यादा आदत है क्योंकि आप हर जगह पे रिस्क ले रहे हो और कुछ रिस्क लेने की एपिटाइट भी आपकी ज़्यादा है क्योंकि लोग नॉर्मली कुर्ला जैसी लोकेशन पे अपार्टमेंट साइज कम कर देते हैं क्योंकि फिर वो प्राइस वैल्यू कम हो जाती है और आप फिर मार्केटिंग ऐसा करते हो कि हम दो बेडरूम का घर इतने करोड़ के नीचे बेच रहे हैं. हाँ जी. तो ये भी आपने वहाँ पे रिस्क लिया. हाँ जी. तो हम जब हमारे कॉम्पिटिटर्स 1 BHK दे वर सेलिंग फॉर 60 lakhs वी सोल्ड 1 BHK फॉर अराउंड 1 crore रुपीस. वही मैं आपसे बात करते करते जो मुझे समझ में आया. हाँ जी. तो आपने वो भी आपने कॉम्पिटिशन नहीं देखा क्योंकि बहुत लोग आज भी हम एज अ मार्केटिंग ये देखते हैं कि 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom कितने स्क्वायर कितने प्राइस में आ रहा है और उस हिसाब से हम बजटिंग कर रहे हैं. प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं और स्क्वायर फीट को कम कर रहे हैं. तो ये भी आपकी एक अलग एंगल है नई सोच है. सुधांशु आज हम बात और इसमें मैं एक और एक प्रस्पेक्टिव आपसे बात करना चाहता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल और वुमन बायर्स और यंग बायर जो है आपके प्रोजेक्ट्स में कितने परसेंटेज अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ आइडियाज़ है तो कितने आ रहे हैं क्योंकि ये एक वर्किंग प्रोफेशनल्स और वुमन बायर्स हमारी स्टडी के हिसाब से कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. हाँ जी. तो आपका इसके बारे में क्या सोच है आपका क्या विचार है. सर वुमन बायर्स तो हमेशा से थे ही. नहीं नहीं अब डिसीजन भी हमेशा से वही था बट एक्सप्लिसिट नहीं था घर पे जाके था. नहीं मैं बता देता हूँ तो मेरी घर भी मेरी वाइफ ने लिया है. इस वक्त थोड़ा सा चेंज यहाँ गया है सुधांशु कि वुमन आर इन द वर्क प्लेस सो दे आर ऑल्सो कटिंग द चेक. यस सी वुमन हैज ऑलवेज बीइंग टेकिंग अ डिसीजन कि मेरे को ये घर में रहना है. पति का उस वक्त काम हुआ करता था कि वो जाके चेक फाड़ के देता था. आज थोड़ा चेंज हो गया है. वुमन आर फाइनेंशियली गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग देयर डिसीजन बिकॉज दे आर को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप कंपनीज. They are entrepreneurs, they are business women, they are independent. Yes. So what is your take on that perspective of woman buyer who is cutting the check? Sir, from that perspective, a lot of things have changed because you have to look from an eye of a female well. Pehle, you look from an eye of a male where aapko pricing dekhni padti thi, aap mota mota ghar dekhte the, aap status factor dekhte the. अब आपको लिवेबिलिटी फैक्टर देखना पड़ता है. हमारे राघव ग्रुप का टैगलाइन ही है बिकॉज लाइफ हैपेंस इनसाइड. बिकॉज लाइफ हैपेंस इनसाइड. वेरी नाइस. सो दिस इज हाउ द बैल्कनी आइडिया केम इन. मेरे घर में सब सुख सुविधाएं हैं. आई लिव इन जुहू सपोजिटली. आई हैव अ 4 BHK बट आई डू नॉट हैव अ बैल्कनी. मैं कपड़े किधर सुखाऊंगा. दैट वॉज अ वेरी बिग पेन पॉइंट विच इवन सोबो पीपल्स फेस्ड. It not only the kapda, even the balcony is something, you know, you feel nice. That aapko paper padhna hai. I like reading the newspaper. I like to see the sun. Yeah. And, you know, I have a nice cup of tea. Yeah. That balcony is always advantage. Yeah. So first it was a luxury and we focused that it is a need and we started giving in all our projects. So very interesting conversation. Aapka... जब से मैंने आपसे ये बात किया है हर चीज़ में मुझे कुछ अलग लगा है. 2024. हाँ जी सर. बजट सर पे है. मुंबई रियल एस्टेट मार्केट जो है ग्रोथ पे है. आपका यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रेजेंस जो है पूरे बॉम्बे में आप यू आर ऑल ओवर टू कॉन्कर द सिटी. व्हाट इज़ योर थॉट ऑफ 2024 इन द मिड लग्जरी इन द लग्जरी इन द रीडेवलपमेंट as for MMR Real Estate, what is your take on 2024? Sir, for Mumbai as a whole and India as a whole, the infrastructure spree is on a very speedy execution. We see Atal Setu being launched. Or usse when connectivity improves, speed improves. So overall, logo ko ghar chahiye. Matlab ghar is angle se chahiye. जो 1 BHK में रह रहा है उसको अपग्रेड होना है 1.5 में. 1.5 वाले को 2 में, 2 को 3 में. सो विद दिस इंक्रीज एंड इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन इन मुंबई
So, and expanding up Panvel tak bhi hum pahunch gaye, usko MMR region is like Mumbai only now. Ye to pura expand ho gaya hai na, and to ab to jaise abhi aapka jab naya airport aa hi raha hai, and to bahut zyada Bombay has grown, you know. Yeah. We were originally a linear city. Yeah. We are now becoming quite circular now. So based on that, every segment will grow, everybody will have everything to sell. और जैसा आपने बोला हर चीज़ बिकेगी तो सही बिकेगी, लेकिन चीज़ अगर ऐसी बनेगी तो लोग आकर के मांगेंगे, नहीं तो आपको जाके बेचनी पड़ेगी। चलिए, मेरे को यहाँ पे मैप में आपका एक बॉम्बे से अलग पुणे दिख रहा है। हाँ जी सर। तो ये पुणे में क्या कर रहे हैं आप? सर, पुणे इट्स अ फ्री होल्ड लैंड विच इज़ अ 2.5 acre लैंड पार्सल। 2.5 acre? या सो वेन बी कमिंग अप विद कमर्शियल retail and residential. It's a mixed development. It's a mixed development in a fun complex. तो आपने लिखा है यहाँ पे तो experience the rag of magic in Pune too. Yeah. तो कितना aggression बाकी है अभी आप में, जो मुझे देख रहा है आपने यहाँ से journey शुरू करी, एक पहली society ली जो आपको पहले convince करना पड़ा कि भाई मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं clean हूँ, मुझे मौका दिया जाए, और अब धीरे धीरे जाके आप बॉम्बे के शहर मैप पे आपके प्रोजेक्ट्स में को देख रहे हैं और पुणे भी आप जा रहे हैं, तो ये एग्रेशन और कितना रहेगा आपका भी? सर, मोर देन एग्रेशन, इट इज़ अ फैशन। हाँ, तो मेरा एग्रेशन का मतलब फैशन ही था। Yeah. मैं जान बूझ के मैंने एग्रेशन वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्रेशन और पैशन दोनों साथ में जाता है। हाँ जी। सिर्फ खाली पैशन से भी कभी कभी काम नहीं होता है। सर, वो तो लाल कलर हमारा बता ही रहा है, तो उसी में मैंने जान बूझ के बोला, क्योंकि वो लाल कलर डिफाइंस पैशन एज वेल एज लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन। फायर ब्रांड जो होता है ना, वो एग्रेशन का ब्रांड होता है, एग्रेशन का प्रतीक होता है। सो वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन लाइक वर्किंग इन साउथ बॉम्बे वेयर द एरिया इज मच ग्रे राइट नाउ, एंड ऑन द वेस्टर्न सबर्ब्स वी आर फोकसिंग देयर। ईस्टर्न में तो हम लाइक वी हैव आवर प्रेजेंस एंड वी आर कमिंग अप विद मोर प्रोजेक्ट्स। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपसे और जब मौका मिलेगा दोबारा बात करेंगे, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगली बार जब 2025 का हमारा एग्जीबिशन होगा, तब आपके और सारे प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, शायद क्या पता बॉम्बे, पुणे, नासिक, गुजरात भी आप यहाँ पे करें। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड रियली अ प्लेजर मीटिंग यू, एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द वे दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। नई सोच, नए लोग आ रहे हैं और एक नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, और ये मुंबई रियल इस्टेट के लिए, इंडिया रियल इस्टेट के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा है। Thank you for talking and giving us your time. Thank you very much. Thank you very much. Bye.